हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन, और उसकी रेसिपी अभी आप आके देखेंगे और आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत अच्छा बनता है उस तरह से, और आपका मटन कभी ख़राब नहीं बनेगा अगर आप ऐसे बनाएंगे तो। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ओके, टेस्टी मटन बनाने की कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ बारीकियाँ होती हैं, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपका मटन हमेशा टेस्टी बनेगा, बहुत लाजवाब बनेगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 400 ग्राम मटन लिया हुआ है, तो उसको अच्छी तरह से धुल लिया है। 4 प्याज लिए हुए हैं और 1 प्याज मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। लहसुन लिया है और अदरक लिया है। तो मैं क्या करूँगी, प्याज को पीस लूँगी अलग से, जो ये 4 प्याज रखे हैं, और लहसुन अदरक का बना लूँगी पेस्ट। और यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और 1 तेज़पत्ता, ये वाला जो ये पोर्शन है इसको मैं छोंकते टाइम डालूँगी। और ये है 1 इलायची, यहाँ पे 1 इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और जीरा और लाल मिर्च, और एक है बड़ी इलायची। तो इसका मैं क्या करूँगी, इसका मैं एक पेस्ट बना लूँगी पानी डाल के। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मसाला मैंने इसमें डाल दिया है, इसमें मैं पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट बन गया है, तो सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। और ये प्याज था वो पीस लिया, मसाला जो था थोड़ा सा मसाला था, मेन तो इसमें लाल मिर्च और जीरा और दालचीनी है, और ये खड़े मसाले। तो अब हमें क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्म मसाला यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तेल हमने इसमें डाल दिया, गर्म मसाले डाल देंगे, जैसे ही चटकने लगे वैसे ही हम इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे, और कटे हुए प्याज को बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेना है, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब हम एक प्याज अलग से डालते हैं कटा हुआ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मेरे ससुराल में जो है इस तरीके से बनाते हैं, मतलब ये तरीका नहीं है उनका बनाने का, लेकिन हाँ प्याज वो ज़्यादातर एक प्याज ज़रूर अलग से काट के डालते हैं। तो मैंने भी अब स्टार्ट कर दिया डालना, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए प्याज हमारा भुन गया है, इस तरीके का कर लेना है प्याज, और छोटा छोटा ही काटेंगे, ठीक है। तो कलर इस तरह से आना चाहिए। उसके बाद में क्या करना है, ये जो प्याज हमने पीसा था वो हम इसमें डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, और अभी हमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना है जब तक प्याज ना भून जाए, क्योंकि उससे अदरक लहसुन का पेस्ट जल जाता है, टेस्ट उसका कम हो जाता है। तो इसी टाइम हम इसमें नमक डाल देंगे, वो आपकी मर्जी, आप नमक अभी भी डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं। मैं आधा नमक इसमें अभी डाल दूँगी, बाकी का जब प्याज भून जाएगा मटन जब मैं डालूँगी तब मैं इसमें ऐड करूँगी। तो इसको भून लेते हैं हम, जो है आप देख सकते हैं प्याज हमारा कितनी अच्छी तरीके से भून गया है। तो प्याज को ज़्यादातर ज़्यादा तेल में जब आप भूनते हैं ना, तभी वो जल्दी भूनता है और अच्छा भूनता है, इस तरीके का गोल्डन ब्राउन सा हो जाता है। तो मैंने प्याज में, मतलब इसमें वैसे भी तेल ज़्यादा लिया है, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये बहुत थोड़ा सा है, हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो जले नहीं, और फिर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, क्योंकि वो चिपकता है लहसुन और अदरक का पेस्ट इस वजह से। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, मटन के पीस इसमें हम डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और हमने प्याज में पहले से ही नमक डाल दिया था, तो नमक हमें मटन डालने के बाद ज़रूर डालना है, हमने तो पहले ही डाल दिया है उसके बाद में, जिससे कि नहीं तो आपका मटन जो है बिल्कुल च्युइंगम की तरह हो जाएगा, फिर वो पकेगा नहीं। तो थोड़ा पहले डाल दिया था, अब जो और मुझे डालना था तो वो पूरा कर देती हूँ। अपने स्वाद के अनुसार नमक आप डालिएगा। अब मैं इसको इसमें तब तक पकाऊँगी जब तक कि मटन पानी नहीं छोड़ देता।
अब इसको मैं जल्दी पानी छोड़ दे तो ढक दूंगी। तो काफ़ी टाइम हो गया है, अब हम देख लेते हैं, कम से कम 10 मिनट के लगभग तो हो ही गया है। और ये देखिए मटन पानी काफ़ी छोड़ चुका है, उसका कलर देखिए बिल्कुल चेंज हो गया है ना। तो इस तरीके से जो है मटन का कलर चेंज हो जाता है जब हम इसको इस तरीके से भूनते हैं, तो इससे जो मटन में हींक आती है ना अलग तरह की वो नहीं आती। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी टाइम 10 मिनट तक हमने इसे भूना है। अभी हम डाल देंगे मसाला। मसाले में अभी तो ये इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं है, लाल मिर्च है, दालचीनी है छोटी सी, एक इलायची हरी, एक बड़ी इलायची है, और इसमें है जीरा। तो अभी हमें गरम मसाला डालना बाकी है क्योंकि काली मिर्च लौंग वगैरह इसमें नहीं है, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। अभी रख देंगे, धीमी आंच कर देंगे क्योंकि मसाला हमारा जलना नहीं चाहिए वरना जो है मटन का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला, सारे मसाले हम एक साथ ही डाल देंगे। तो 400 ग्राम के लगभग है, उसी हिसाब से मसाला डालेंगे। एक चम्मच गरम मसाला मैंने डाल दिया, 1 टीस्पून डाला है। और इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, तो 1 टीस्पून के लगभग धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं। इसको अब हम मिक्स कर देंगे सारे मसाले डालने के बाद, और बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसको पकने देंगे इसी मसाले में, जिससे कि जो मसाले का फ्लेवर है वो मटन के अंदर अच्छे से चला जाए और मसाला जो है अच्छे से भुन जाए। तो मैं इसका पहले तो मीडियम फ्लेम करूँगी और फिर बाद में धीमी कर दूँगी। तो 10 मिनट तक हम इसको 15 मिनट तक हम इसको इसी तरह से धीमी आंच पे पकाएंगे। इसको ढक देंगे बस। तो इतनी देर में मैंने चावल रख दिए बनने के लिए मेरे हस्बैंड के लिए, और अपने लिए मैंने रोटियां बना ली हैं क्योंकि मैं रोटी ही ज़्यादा खाती हूँ, चावल कम खाती हूँ। तो हो गया है, 5-6 मिनट हो गए हैं, अब देख लेते हैं। और बीच बीच में इसको आप चलाते रहिएगा क्योंकि चिपकना नहीं चाहिए, और आपको लगे कि जल रहा है तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं इसको 5-6 मिनट और पकाऊंगी। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, तो हम बाद में डालेंगे और डालेंगे। अभी हम एक टमाटर, बिल्कुल जो बेबी टमाटर होता है बिल्कुल छोटा सा, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एग्जॉस्ट चल रहा है इसलिए आपको आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, क्योंकि कुल मिला के 12-14 मिनट हो ही गए हैं जहाँ तक है। अब क्या करेंगे, टमाटर भी हमारा गल गया है, तो अब हम इसमें फाइनल टच दे देंगे। ये है गरम मसाला, 1 टीस्पून और हम इसमें डालेंगे क्योंकि जिससे कि खुशबू अच्छी आए। थोड़ा सा मैं चिली डाल रही हूँ क्योंकि जो मैंने चिली डाला है वो मैंने टेस्ट किया था तो उतना स्पाइसी नहीं है, तो और डाल दिया है। यहाँ पर सिर्फ गरम मसाला डालेगा जिससे कि इसकी खुशबू अब जो रहेगी वो बिल्कुल फ्रेश रहेगी। अब इसमें पानी डाल देंगे। तो ये पहले हमने 1 कप पानी डाल दिया, और ये बॉयल पानी है, इसको गर्म कर दिया था मैंने और ये ठंडा हो गया है। मटर पकने में टाइम लगता है तो इसलिए इसमें पानी ज़्यादा पड़ता है, तो ये आधा कप और डाल दिया। ये छोटा वाला कप है, चाय वाला जो कप होता है बहुत छोटा वाला है। तो बस इतना ही ग्रेवी के लिए हम डालेंगे पानी, 1.5 कप के लगभग, या 2 कप ही कर सकते हैं आप, क्योंकि प्याज जिस हिसाब से आप डालेंगे उसी हिसाब से आपकी ग्रेवी बनती है। तो मैंने 1.5 कप डाल दिया है। अब हम इसमें सीटी लगा देंगे, 5 से 6 सीटी मैं लगाऊंगी इसमें, उसके बाद चेक करूंगी और ज़रूरत पड़ी तो फिर दोबारा लगाऊंगी। कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे और बस जैसे ही सीटी आएगी हमारा मटन रेडी हो जाएगा। बिल्कुल मस्त बना है, मैं भी आपको दिखाती हूँ।
कैसे बनाए। देखिए ये मटन, देखिए कितना अच्छे से पक गया है, देखना ये देखिए है ना। तो मटन हमारा अच्छे से कुक हो गया है, बस अब हम इसको प्लेटिंग कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।